चिरैया संस्था है जो कि लोक संगीत के लिए प्रयासरत है, लोक कलाकारों को मंच देने के लिए प्रयासरत है। विगत 3 वर्षों से हम लोग इसमें समय समय पे कार्यशालाएं आयोजित करते रहे, मंच पे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। इस बार चूंकि चैत का महीना है तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि सारी ये लोकगीत जो है कहीं ना कहीं ऋतुओं से जुड़े हैं, मौसम से जुड़े हैं, ऐसी एक प्रस्तुति दी जाए और प्रदेश भर से लोक कलाकारों को विभिन्न अंचलों से हमने जोड़ा है। प्रयास किया है कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर के गाँव की अमराई में ही पहुँच जाएँ। और आज के बारे में खास बात ये कि लोक साहित्यकार, विशेष 3 वरिष्ठ हमारे लोक साहित्यकार जिन्होंने अपने अपने मिट्टी में बहुत काम किया है, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी अवधि साहित्य में, डॉक्टर अर्जुन दास केसरी जी जिन्होंने की आदिवासी सोनांचली जिसको सोनभद्र का इलाका उसने काम किया है, बुंदेली लोक साहित्य में अयोध्या दास, अयोध्या सिंह कुमुद जी वो भी यहाँ बैठे हैं, उनका सम्मान महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री वीर जोशी जी करेंगे। और इसके बाद एक के बाद एक कलाकारों की प्रस्तुति है। खास बात ये कि इसके बाद हम लोगों ने स्कूली छात्रों को आल्हा सिखलाया है, घरेलू जो गृह लक्ष्मियाँ हैं उनको हम लोगों ने चैती और भोरी सिखाई है, वो भी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ बुंदेलखंड के थारू आदिवासी क्षेत्र से कलाकार पहली बार मंच पर आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत कुछ नया है। चैत का मतलब ही है नया, नया साल की शुरुआत है। कुल मिला के बसंत की लोक संस्कृति को भी चैत का महीना जो संदेश लेकर आता है, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया संचार, नया वर्ष। इस कार्यक्रम में भी लोक संगीत में नए कलाकार युवा क्या क्या कर रहे हैं वो देखने को।